हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए मनकथा के इंटरवल सीन का रिएक्शन। एंड एक्चुअली ये देखा जाए तो एक मास इंटरवल सीन है। ये मैंने देखा हुआ है और ये मैंने बहुत सारे देखा था, तभी आते ही ब्लॉक हो गया था, तो फिर मेरे को उसका कुछ इतना याद भी नहीं है और क्या हुआ था कैसे, और आप लोगों को भी पता नहीं चल पाया था हमारा रिएक्शन। तो बहुत टाइम वाला, करीब 1-2 साल बाद जाके हम वापस से देखने जा रहे हैं क्या है कैसा है। पिछला सीन हमने देखा वो क्या कमाल की रॉबरी थी, अब यहाँ पे क्या होगा वो चीज़ देखना होगी, बिकॉज मास इंटरवल इसको बोला जाता है। देखते फिर कैसा होता है। हमने जो लास्ट सीन देखा था बैंक रॉबरी, वो एक्चुअली मास सीन था, तो अब तो ये इंटरवल सीन है। तो ये तो ऑब्वियसली कुछ नया इसमें होगा। ये क्या करते हैं, मतलब इन्होंने एक बार तो चोरी कर ली है, बहुत बड़ा हाथ मारा लिटरली, बट अब इसके आगे और क्या और कैसी चोरी करेंगे वो देखने लायक होगा। मैंने तो पहले भी नहीं देख रखा ये सीन, तो मैं तो अभी पहली बार ही देख रही हूँ, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। तो देखते कि इसमें क्या होने वाला है। तो बहुत कमाल करते हैं, फिर आप भी देखो, हम देखते हैं। लेट्स अभी स्मोक किया इस पूरी मूवी में और ड्रिंक ईरदा पानो विच हेडो। अच्छा, वो हॉल में पैसे पड़े 500 करोड़ அதாவது 500 கோடி அம்மோ பணத்தை பிரிக்க எல்லாரும் மகன் सबको 100 करोड़ आएंगे। प्रेम खुद इमेजिन कर रहे हैं, वो दिखा भी रहे इमेजिनेशन। वो भी कितने बस ऐसे कोट ब्लेजर पहन के है। ये दैट इज द हीरो। पहले कॉलर ऊपर कर रहे हैं। हां, वो अकेले वाइट में है, सही है नहीं? मैरिज के लिए आता रहे बंदा, वो क्रिश्चियन मैरिज होती तो। हां हां हां, अल्लाह की खुशी। पाना तक बात तो कोई भी नाचेगा, 100 करोड़ एक बंदे को मिल रहा है। और ये यहाँ नाच नहीं कर रहे, इनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है ना। अंदर समय नायन कंडे लगते। ओए होए, मार तो नहीं देंगे सबको। और ढोल के म्यूजिक पे गन कौन निकालता है? Really? हरा खून। इमेजिनेशन ही जाती है। ये तो बाजी पलट गई। अच्छा, इमेजिन पूरा कर रहा है कि मेरे को भी पड़ सकती है गोली। ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। सही है। रिवाइंड डांस करो। गणेश पुलिस तुपाकी बच्चर पाना। सो पहली गोली गणेश। ओह माय गॉड। करो डोल बीट चालू। और बाकी दोनों को तो ऐसे ही मार देंगे। मोक्का पसंद कैसे वो भी चला रहे ना पीछे से शूट तो नहीं करेंगे। और तू क्या बोलेगा? सॉरी परवाला ना। क्या ऐसे गोली के बाद निकाल प्रेम कुंजो केडिया अच्छे उनका सत्ता ना कोई हर एक चीज डिटेल में सोची हुई है। चश्मा उतार के कौन मरने जाता है। ओ बुलेट रुक गई इल्ला पकड़ो मेरे ही बने के पा नल्ला बेला ना सावला ओ तेरी आने ये எனக்கு தெரியாது இவன் தான் என்ன கூட்டி வந்தான் ச ச ச ச இவன் எப்படி சொல்ல மாட்டானே எப்படி சொல்லுவே சொல்லு என்ன கொடுமை சார் ஓ डायरेक्ट बात नहीं कर रहे என்ன மட்டும் விட்டுருங்களே அது ओके इप्पो इन्ना पन्नो अब पूरे पैसे माने 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 वाह टा 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 अरे वाह क्या मतलब सीन सोचा है पूरा अपना। क्या ये कर पाएंगे? क्यों इतना है अब तो बरसाओ। ओ वाह ब्लेम भी उन्हीं पे चला जाएगा सब पे। कमाल था यार। $100 मिलियन छोड़ जाएंगे और बाकी $400 मिलियन अपने पास। ता 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 पूरा फ्यूचर इमेजिन कर ले। इस प्लानिंग के साथ होता है कि नहीं? आपको मेरी पानो इवनिंग माउंट इतने डेविल है नहीं। जोरदार स्ट्रिक्टली नो रूल्स। डबल में इन्होंने पूरी प्लानिंग बता दी। लाइक उन्होंने बैठ के आराम से चेस खेलते खेलते ड्रिंक करते हुए स्मोकिंग करते हुए पूरा फ्यूचर इमेजिन उन्होंने कर लिया। एंड जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि नहीं ये हो सकता है तो उसे रिवाइंड किया। मतलब सारी पॉसिबिलिटीज उन्होंने इमेजिन कर ली है, जस्ट इमेजिन की है। अब देखना ये रहेगा कि ये इस तरीके से इम्प्लीमेंट हो भी पाता है या नहीं। इनकी प्लानिंग तो हमेशा ऑफ कोर्स हमेशा बहुत टॉप लेवल की रहती है और कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट कर भी लेते हैं। जैसे कि रॉबरी में हमने देखा तो पूरी अच्छी तरीके से इन्होंने एग्जीक्यूट कर ली थी। बट इसमें अब इन्होंने उन्हें पहले चोरी करवाई, अब ये इनसे सारा चोरी करने वाला है, वो भी सबको मार के। तो देखना ही रहेगा कि ऐसा हो पाएगा या नहीं। बिकॉज आई थिंक कि अगर ये सोच रहे हैं कि ये सारा पैसा लेके भाग जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो भी तो सोच रहे होंगे ना कि हम भी लाइक चोरी करके भाग जाए। है तो आफ्टर ऑल सब चोरी। तो बट आई गेस कि इनकी प्लानिंग ज़्यादा टॉप लेवल की है बिकॉज इन्होंने हर पॉसिबिलिटी सोची है करी है। बट ऑफकोर्स वो भी सोचेंगे। तो अब आगे का देखने के लिए भी मैं एक्साइटेड हूँ बस। बट इस सीन में काफ़ी मज़ा आया बिकॉज जिस तरीके से डायरेक्टर ने दिखाया है ना कि पहले तो वो इमेजिन कर प्ले कर रहा है, फिर वो रिवाइंड भी कर रहा है, फिर जो ब्लड है वो ग्रीन कलर का निकाला है तो सो डैट हमें पता चले कि ओके ये सच्ची में नहीं हो रहा है। हाँ। तो और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कॉमेडी भी रखा है तो मज़ा आया काफ़ी सीन देख के। और ऊपर से जो ऑडियंस है उसका कैसा हाल हो रहा है, कैसे इंटरवल के बाद कोई जा ही ना पाए पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेने के लिए। सबको होगी नेक्स्ट क्या होगा क्योंकि यहाँ पे अब यह है कि इन्होंने इतना एक्सटेंसिवली अपना पूरा आइडिया बताया तो ये होगा ऑफ कोर्स सेम टू सेम पेला नहीं जाएगा, सेम टू सेम वापस नहीं करेंगे। तो अब लोगों को जैसे अभी तक मूवी चल रही है तो लोगों को होगा कुछ ना कुछ नया करेंगे, तो वो क्या करेंगे, कैसे होगा और क्या इनके अंदर लड़ाई होगी, वो लोगों को चीज़ें देखने की होगी। एंड लाइक अभी हमें इतनी एक्साइटमेंट हो रही, तो उस टाइम पे थिएटर में तो क्या हालत हुई होगी। एंड साथ में जहाँ तक बात जैसे तू वो कर रही थी लाइक लिटरली कि आगे क्या होगा, और हर एक चोर जो है वो यही सोच रहा होगा कि मेरे को इससे लूटना है, तो वो किस तरीके से, और पूरी प्लानिंग क्या कमाल की थी। लाइक मैं पहले यही था कि सबको मारने जाऊँगा, फिर नहीं रिवाइंड करो, पहले मेरे को पुलिस को मारना पड़ेगा, पुलिस वाले को मारूंगा तो मैं बाकियों को तो बहुत आराम से मार दूंगा, और उस तरीके से सोचना, एक एक चीज़ को अच्छे से सोचना। और फिर और जबकि वो ड्रिंक करे तो क्या पता एक ड्रिंक ड्रीम ही काइंड ऑफ हो, आगे जाके सुधर जाए या पता नहीं कैसा है। तो आप लोग को कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएगा, और ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।